गरीब मां की पांच चुड़ैल बेटियां। श्रवणपुर गांव के एक घर में देर रात भीषण आग लग गई थी, जिसके अंदर पांच छोटी लड़कियां जलकर मर गईं। आसपास के पड़ोसी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ घर पर पानी डालते हैं तो कुछ रोते हुए कहते हैं, अरे बचाओ बचाओ उन बच्चों को, उन बच्चों का कोई नहीं था, अरे वो पांचों अनाथ बच्चियां थी, अब उनका क्या होगा, अरे हटो 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 मुझे बचाने दो, अरे जाने दो मुझे। अरे अंकल जी आप ये क्या कर रहे हैं, वो बच्चियां तो अब जिंदा भी नहीं होंगी, जलकर राख हो गई होंगी। अरे अगर समय पर आ जाती तो पांचों बच्चियां बच जाती। अरे अंकल जी संभालो खुद को, वो पांचों बच्चियां कितने कष्ट में जी रही थी बिन माँ बाप के, शायद इसीलिए भगवान ने उन्हें इस तरह से अपने पास बुला लिया। वो पांचों बच्चियां मरने के बाद चुड़ैल बनकर गांव में भटकने लगती है। वहीं दूसरी ओर कौशल्या नाम की एक औरत को उसी समय उसका पति महेश उसे घर से धक्के मारकर निकाल कर कहता, आज के बाद इस घर में आने की दोबारा कोशिश मत करना, बांझ कहीं की मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे औलाद का सुख न दे सकी, ऐसी औरत को घर में रखने से अच्छा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, चली जाए यहां से और कभी लौट कर मत आना। महेश जी ऐसे मत कीजिए, हम बच्चा गोद ले लेंगे, थोड़ा और समय दीजिए, मुझे ऐसे बीच मंजर में मत छोड़िए, आपने तो मुझसे शादी के साथ वचन लिए थे। अरे भाड़ में गए तेरे साथ वचन, दफा हो जा तू यहाँ से हमेशा के लिए। महेश उसका सारा सामान उसके साथ बाहर निकाल कर फेंक देता है। कौशल्या रोते रोते जंगलों की तरफ भटकती हुई वहाँ पहुँच कर एक पत्थर पर बैठ कर कहती है, ऐसी बेरुखी जिंदगी अब मेरे किस काम की, जहाँ पति ना हो, बच्चा ना हो, सास ना हो, घर बार ना हो, उससे अच्छा तो कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है, अब मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहकर कौशल्या उस बड़े से कठोर पेड़ में अपना सिर मारने लगती है, जिससे उसके थोड़े खून निकल आता है और वो बेहोश हो जाती है। जंगल में मौजूद पहले से एक चुड़ैल पांच बच्चियां उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाती हैं, जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच थी। बड़ी बहन निधि, उससे छोटी नताशा, प्रिया, गुनगुन, सौम्या थी। सबसे छोटी कौशल्या को ऐसे देखकर उसके पास बैठ जाती है और फूंक मारने लगती है, आले दीदी इनके माथे से बहुत खून बहला है, इतनी उई उई हो गई है, इनको जगाओ। हे भगवान इनके सर से तो बहुत खून बह रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। दीदी हमें इन्हें होश में लाना चाहिए, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और मैं इनका खून साफ कर देती हूँ। पांचों कौशल्या की बहुत देखभाल करती है, उसका खून साफ करती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। बड़ी चुड़ैल की गोद में कौशल्या का सिर था, तभी उसे होश आता है। ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? आप ठीक तो है ना? आपको ये चोटें कैसे लगी? कौशल्या चुड़ैल निधि को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम चुड़ैल? मेरे पास क्यों हूँ? मैं मरी क्यों नहीं अभी तक? हटो मुझे मरना है, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। अरे आप ऐसा मत कहिए, जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए, हम जानते हैं क्या कमी होती है और ये भी जानते हैं आप हमसे डर रही हैं, पर हमसे डरिए मत, हम तो आपकी मदद कर रहे थे, बस आपके सर से बहुत खून बह रहा था। अले अले आप दूसरा मत डालो, आप तो लदई है, आप तो यूं हो ले हो दी ना दीदी, ये बिल्कुल मम्मा देती लदली है, इन्हें बोलो हमें थोल कर ना दाएं। क्या मम्मा जैसी? आप इसकी बातों में मत आइए, बहुत छोटी है ना, अभी माँ के गोद में रहती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, खाती पीती थी, जब से माँ गई है तब से बहुत कमी महसूस होती है इसे भी और हमें भी माँ की, और कुछ महीने हुए थे कि कल रात हमारी भी मौत हो गई। क्या मौत? ये प्यारी बच्चियाँ कितनी अकेली और बेबस हैं, इन्हें माँ के प्यार की ज़रूरत है और मुझे माँ कहने वाले बच्चों की, अब मैं इन बच्चों की माँ बनकर इन्हें बहुत प्यार दूंगी, अब से यही मेरे जीने का सहारा है। इधर आओ छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या है। अच्छा सौम्या, बच्चों ना तुम्हारा कोई है ना मेरा कोई है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा माँ बनकर ख्याल रखूंगी, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ है? नहीं माँ, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। तभी वो सौम्या के माथे पर चूमती है, फिर सारी चुड़ैल बच्चियाँ कौशल्या के गले लग जाती हैं, तभी वो कहती है, वो सब तो ठीक है पर ना तुम्हारा घर है
न कोई मेरा घर है तो हम रहेंगे कहाँ? ऐसे रहना तो ठीक नहीं है। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर और साधु महाराज भी आते रहते हैं। माँ आप फिक्र मत करिए, हम पर कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे हम जरूरतमंद चीज का इंतजाम कर सकते हैं। तभी निधि चुड़ैल अपनी जादू से एक बड़े से घर को प्रकट करती है। फिर नताशा वहाँ फर्नीचर लाती है। गुनगुन अपने जादू से वहाँ का राशन भरती है। प्रिया अपने और सौम्या के लिए बहुत सारे खिलौने लाकर झूले का इंतजाम करती है, जिस पर वो दोनों मजे से झूलती है। इस तरह एक बांझ गरीब माँ अपनी पांच चुड़ैल बेटियों के सहारे अच्छे से रहने लगती है। उनके होलिये को ठीक कराती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, उनके साथ खेलती है। एक शाम प्रिया कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाओ ना। नहीं माँ, पहले मेरे साथ चिड़िया उड़ी खेलो। अरे तुम दोनों भी ना, मैं ऐसा करती हूँ, तुम पांचों का मन पसंद खाना बनाती हूँ। निधि तुम बताना कौन क्या खाता है। सौम्या बेटा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आपका भी फेवरेट खाना बना देती हूँ, फिर साथ में सब खेलेंगे। क्यों माँ, मैं रसोई में आपकी मदद करवाने चलती हूँ, तुम्हें खाना बनाना आता है। नहीं माँ, लेकिन सब्जी काटनी आती है। इसके बाद कौशल्या अपनी पांचों चुड़ैल बेटी का मन पसंद खाना बनाती है, जिसमें निधि उसकी मदद कराती है। सभी बच्चे अपने मन पसंद खाना खाते हैं और कहते हैं, माँ आपने तो बहुत अच्छा पास्ता बनाया है, थैंक यू माँ। हाँ माँ, आपके हाथों में जादू है, बहुत अच्छा बर्गर बनाया आपने। और माँ मुझे भी हलवा देती देती लदा था। इसका मतलब तुम्हारी माँ खाना बनाने में पास हो गई। चलो अच्छा, अब हम चिड़िया उड़ी खेलेंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर कौशल्या बच्चों के साथ चिड़िया उड़ खेलने लगती है। चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी, तोता उड़ा, भैंस उड़ा, भैंस उड़ा, सौम्या आउट, सौम्या आउट, सौम्या ने भैंस उड़ा दी। अरे मैं आउट हो गई, ओ नो। अब सौम्या आउट हो गई तो सौम्या को मुर्गा बनना पड़ेगा। चलो मुर्गा बन के आवाज निकालो सौम्या। कौशल्या की बात सुनकर सौम्या मुर्गी बनकर आवाज निकालती है। कुकड़ुको कुकड़ुको, माँ मेरी बाजी है, आप सब बोलो कबूतर उला, तोता उला, दाय उली, साँप उला, दुन 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 दुल उली। आहा, आउ ता आउ ता आउ ता, दुन दुन ने थुत्तो उल्लू बना दिया। माँ दीदी हाल दई, अब वो भी मुल्की बनेगी। अरे नहीं, मैं क्यों बनूंगी, मैं तो उड़ सकती हूँ, दिखाऊँ अभी उड़कर। तभी गुनगुन चुड़ैल बच्ची हवा में उड़कर दिखाती है। देखा चुटकी, मैं उड़ सकती हूँ। चलो बच्चों बहुत रात हो गई, बहुत खेल लिया, अब सो जाओ। माँ एक लोरी सुनानी पड़ेगी हमें, तभी हम सोएंगे। चलो ठीक है, मैं लोरी सुनाऊंगी तुम सबको। तभी कौशल्या के साथ चुड़ैल बेटियाँ अपने कमरे में आकर लाइन से बिस्तर में लेट जाती हैं। वहीं कौशल्या की गोद में सौम्या अपना सिर रखती है और वो उसे थपथपाती है। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में। लोरी सुनते सुनते उसकी पांचों चुड़ैल बेटियां सो जाती हैं। इसी तरह वो अपनी पांचों चुड़ैल बेटियों के साथ रहती है और पांच बच्चियां अपनी माँ का भी ख्याल रखती है। गांव के एक घर के रसोई घर में पांच चुड़ैल काम काज में एक दूजे का हाथ बटा रही थी। कोई चौका बर्तन करने में जुटी थी, तो कोई तरकारी काट रही थी, तो कोई खाना पका रही थी। वहीं दो चुड़ैल बिखरे हुए घर के सामान को बटोर रही थी। खटर पटर की आवाज सुनकर 60 साल की अंधी कोमती रसोई घर की ओर बढ़ने लगती है। शायद सासू माँ रसोई घर में आ रही हैं। हम चुड़ैलों को छिपना होगा, वरना वो भाग जाएंगी। पांचों चुड़ैल रसोई घर के छत से चिपक जाती हैं। तभी अंधी कोमती रसोई घर में आकर टटोलते हुए कहती है, अरे ये चूल्हा एकदम चमका हुआ कैसे है? जहाँ तक मुझे याद है, हड़बड़ाहट में सब कुछ रात को ही बिखरा हुआ था, जरूर गांव का कोई जन कामकाज कर गया है। अभी गोमती ऐसा बोल ही रही थी कि एकाएक कमला भीतर आती है। अरे कैसी हो गोमती बहन, तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी तो सोचा हाल चाल पूछती चलूं। ठीक ठाक हूँ,
जरा बता तो मुझे कि आखिर गांव गढ़ का कौन जन मेरे घर का बर्तन चौका कर रहा है। ये सुनकर कमला ठहाके मारकर कहती है, तफरी बाजी तो कोई तुमसे सीखे। अरे जिसके घर में पहले ही 5-5 बहुए हैं, उसका घर चकमक की तरह तो रहेगा ना। ऐसा कहते हुए कमला की नजर रसोई घर के छत पर पड़ती है और वो चीखती हुई कहती है, क्या हुआ कमला, तू चीख क्यों रही है? कुछ नहीं गोमती, मैं चलती हूँ। जय राम जी की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए कमला दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि पांचों चुड़ैल बहुओं ने उसे घेर लिया। उसका भी गर्दन कट जावे जो हम चुड़ैल का भेद बतावे। अरे रे रे, ये पांचों चुड़ैल तो मेरे सामने खड़ी हो गई, अब क्या करूं? राम 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 राम, मरा 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 मरा। ये चुड़ैल तो राम राग गाने लगी। अरे भूतनियों, कुछ तो भूतानियत रखो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है जाओ, अगर गलती से भी तुमने जुबान खोली तो नाम गुम जाएगा। कमला जान बचाकर वहां से निकल जाती है। देखते ही देखते सवेरे का सूरज सांझ की बेला बीतने के साथ डूब जाता है और उस रात जब चुड़ैलों की सास आंखें मूंद बिछौने पर सो रही थी, तभी पांचों चुड़ैल उसके कमरे में आती हैं। देखो बहनों, सासू मां सो गई हैं। चलो उनके पाँव दबा देते हैं। हाँ, चलो। पांचों चुड़ैल अपनी अंधी सास के हाथ पाँव दबाने लगती है, तभी गोमती नींद से जाग कर कहती है, मैं जानती हूँ कि इतने दिन से मैं जो साया महसूस कर रही थी वो मुझ अंधी का वहम नहीं था, तुम पांचों मेरी बहू हो ना। एकाएक घर के सभी खिड़की दरवाजे जोर शोर से खड़कने लगते हैं। तेज आंधी तूफान घर के माहौल को भयानक आकृति का आयाम देने लगती है, जिसे भाप कर गोमती का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है और पांचों चुड़ैल बहुएं बोलती हैं, हाँ माँ जी, हम पांचों चुड़ैल बहुएं ही इतने दिन से सब संभाल रही थी। आपके आंखों की रोशनी छिन जाने के कारण हम पांचों अपनी जिम्मेदारी से मुक्त ना हो सकी, इसीलिए नीति ने हम पांचों को इस दुनिया से मुक्त होने पर पाबंदी लगाई, ताकि हम चुड़ैल बहुएं अपनी अंधी सास की लाठी बनकर रहें। ये सुनकर गोमती का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम पांचों पर दुखों का पहाड़ तोड़ा, बावजूद इसके तुम चुड़ैल होकर स्वार्थी ना बनकर अपनी सास की सारथी बनी हो। ऐसा बोलते हुए गोमती बीते दिनों में खो जाती है, जब वो पांच बहू की सास बनी थी। अरे मेरी पांचों बहुओं, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव लगाकर भीतर पधारो। जी सासू मां। अभी गोमती उनका स्वागत ही कर रही थी कि कमला बीच में कहती है, अरे गोमती, इतना भी स्वागत सत्कार न कर अपनी बहुओं का। अरे बहू बेटी उड़ते परिंदे की तरह होती है, तनिक ढील मिलते ही पिंजरा तोड़कर आसमान की उड़ान भरने लगेगी। कमला की बातें गोमती के मन में कहीं न कहीं जगह बना लेती है। गोमती जैसे तैसे बात को टाल देती है। अगली सुबह, अरे सूरज की किरण फूट पड़ी है और ये पांचों की पांचों महारानी मजे से पलंग तोड़ रही है। सही कहा था कमला ने, इनकी लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर गोमती जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है, परिणीति, रूपल, शिल्पा, छबी, रमिला, अरे कहाँ मर गई पांचों? गोमती की गुस्सेल आवाज सुनकर सभी बहुएं झटपट से नींद से जागकर उसके सामने हाजिर होती हैं। जी सासू मां, आपने पुकारा। मुझे तो लगा था पांचों निपट गई। अरे आज तुम पांचों का ससुराल में पहला दिन है और आज ही इतनी देर से उठ रही हो। माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। अरे नई नवेली बहू सवेरे के 4 बजे उठती है। अब बिना वक्त गवाए जल्दी से पांचों अपने काम पर जुट जाओ। गोमती की कड़वी बातें सुनकर बेचारी बहुएं फेटा बांध कर काम काज में भिड़ जाती है। हर दिन के साथ सास का सताव बहुओं पर बढ़ चढ़ कर होने लगा था। अरे मेरी काम चोर बहू, कहाँ मर रही हो पांचों की पांचों? जी, जी कहिए माँ जी। जब देखो फुहरपना किए रहती हो,
अरे मैं तो कहती हूँ तुम पांचों से बड़ी बेढंगी बहू मैंने आज तक कभी नहीं देखी। माँ जी, हम पांचों ने अपने हिस्से का सारा काम कब का खत्म कर दिया है। वो तो देख रही हूँ, फर्श पर बैठी गंदगी चीख चीख कर तुम्हारे काम चोरी को बयान कर रही है। माँ जी, हम चाहे जितना अच्छा कर ले, आप हम बहुओं के किए में खामी निकालना कभी नहीं भूलती। सच सुनकर गोमती गुस्से से बिलबिलाती हुई परिणीति के बाल पकड़कर कहती है, बदजात कलमुही, अपनी सास से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही। माँ जी, हम चारों परिणीति की गलती के लिए माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए। ये देखकर गोमती चारों बहुओं को दूर धकेलते हुए कहती है, बहुत याराना लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के बीच इतना भाईचारा है। आज पांचों को तबीयत से सूतूंगी। गोमती पांचों बहू को दरिंदों की तरह मारती है। सास की आक्रामक जातियों से तंग आकर आखिरकार पांच बहुएं पटरी पर आकर कहती हैं, अगर ससुराल शासन का गढ़ है तो हम बहू आज उससे मुक्त हो रही हैं। शायद हमारी मौत के बाद सासू माँ को हमारी कदर होगी। इस तरह पांचों बहुएं पटरियों के बीचों बीच आकर अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ गोमती मन ही मन बहुत खुश होकर कहती है, अच्छा इन बेढंगी बहुओं से बला टली, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनका दूजा ब्याह रचा दूंगी। गोमती की जिंदगी मजे में कट रही थी, मगर एक रोज बाजार जाते वक्त वो एक गाड़ी से दुर्घटना में बहुत घायल हो जाती है। जैसे तैसे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दोनों आंखें चली जाती है। मैंने जो मेरी बहू के संग किया है उसी बुरे कर्मों की कटनी है जो आज मैं अंधी हो गई हूँ। काश कि मुझ बुढ़िया के बस में होता, मैं पहले का वक्त लौटा ले आती। माँ जी, गुजरा हुआ वक्त नहीं लौट सकता, मगर शायद हम आपकी आंखें लौटा दे। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने आंखों की पुतलियों की रोशनी गोमती की आंखों में भर देती हैं, जिस कारण गोमती पहले की तरह देखने लगती है, मगर चुड़ैल बहुओं की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। मेरी बहुओं, तुमने अपनी आंखों की रोशनी मुझे क्यों दी? ताकि माँ जी आप अपनी बहू के नजरिए से दुनिया देखे, इसी के जरिए शायद हम चुड़ैल बहू अपने सास के दिल में जिंदा रहे। अब हमें जाना होगा। इसी के साथ पांचों चुड़ैल बहुएं वहां से गायब हो जाती हैं। आज भी गोमती की निगाह अपने चुड़ैल बहुओं की बाट जोह रही है कि शायद वो एक बार फिर दिख जाए। एक लड़की शादी के साथ आंखों के सैकड़ों सपने संजोए ससुराल आती है, मगर जब वही ससुराल बहुओं के लिए बंधक बन जाए तो वो खुद के जीवन को मौत को सौंप देती है। एक गांव में अवंतिका अपने पति बिरजू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चला रहे थे। अवंतिका झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और बिरजू जूतों की फैक्ट्री में काम करता था। ऐसे ही एक दिन बारिश आती है तो उनकी छत से जगह जगह से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, हमारी हल्की सी झोपड़ी बरसात का पानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सारा आटा भीग गया, दाल भी सील जाएगी, अब पानी से नुकसान हो गया जी हमारा तो। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब घर बनवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, पर हम दोनों मिलकर भी करना चाहें तो बहुत वक्त लग जाएगा घर बनाने में, क्या करूँ? वो तो छोड़िए, ये बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है ना। अगर इसी बारिश हुई तो इस घर की ईंटें भी टूटने लगेंगी। अब तुम फिकर मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, बस किसी तरह रात कट जाए। ऐसा कहकर वो सो जाते हैं कि आधी रात में तेज बारिश होने से उसके घर का छप्पर टूटकर गिर जाता है। वह दोनों बच जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाढ़ आने की संभावना काफी पैदा हो चुकी थी। ये देखकर दोनों कहते हैं, हे भगवान, लगता है इस आधी रात में हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना बाढ़ के अंदर सब तबाह हो जाएगा हमारा। अरे तबाह तो वैसे भी होने वाला है अवंतिका, जल्दी से जो राशन पानी है या जो जो ले जा सकते हैं वो जरूरी सामान जल्दी से ले लो, हम दोनों मिलकर उठा लेंगे, हमें अभी निकलना होगा। हाँ मैं करती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना जरूरी सामान ले लेते हैं और घर से आधे पानी में निकल जाते हैं। तभी बारिश के साथ तेज तूफान भी आने लगता है, जिससे उनकी बची कुची झोपड़ी भी उनकी आंखों के सामने ढह जाती है। बहुत देर चलने के बाद उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी बिरजू कहता है, हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है,
इतनी देर से चले ही जा रहे हैं, कहाँ जाएं? अपना घर भी तो नहीं रहा ना अब। अजी मैं एक जगह जानती हूँ, वो कल जब मैं फाटक से आ रही थी तो उससे थोड़ी दूर पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा था, इस वक्त हमारे अभी वही काम आ सकता है, चलिए। अवंतिका की बात सुनकर बिरजू भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वह ट्रेन के खराब डिब्बे में अंदर बैठकर कहते हैं, शुक्र है जी बाहर के इतने तेज तूफान बारिश वाले मौसम से हम बच गए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो अवंतिका, इसकी तो सीट भी अच्छी है और यहाँ चादर भी मिल गई। मुझे लगता है आधी रात हो रही है, अब हमें सोना चाहिए, कल की कल देखेंगे। जी बिल्कुल। इस तरह से वह दोनों ट्रेन की सीट पर सो जाते हैं। अगले दिन अवंतिका उठकर अपने बचे कुचे लाए राशन से चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। अरे वाह, इस ट्रेन घर में खाना खाकर मजा ही आ गया, और रात को ना हमें ठंडी लगी ना कोई पानी गिरा हमारे ऊपर। सच में ये जगह बहुत अच्छी है हमारे रहने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब तक हम नया घर नहीं बना लेते इसी ट्रेन के डिब्बे में रहेंगे, अब से यही हमारा घर है। अरे 9 बज गए, अब हमें अपने अपने काम पर जाना चाहिए, पैसों की भी तो जरूरत है ना इस समय हमें। हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों रेल के डिब्बे का दरवाजा बंद करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को एक साथ वापस आते हैं। जब अवंतिका खाना पका रही थी तो बिरजू अपने मालिक से लाए पैसे गिन रहा था, वहीं दो चोर चाकू लिए खिड़की से उन्हें देखकर कहते हैं, ओहो इनके पास पैसे हैं मग्गू, चल जाकर छीन लेते हैं, एक दारू की अच्छी बाटली आ जाएगी। हाँ जग्गू, ऐश करेंगे आज रात चकना खाकर। ये बोलकर उनके ट्रेन घर में वो दोनों चोर घुस जाते हैं और चाकू के बल पर कहते हैं, ए चल पैसा निकाल वरना तू जान से जाएगा, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अंदर आने की, निकलो बाहर। ए, जल्दी पैसा निकाल कर दे वरना देखना, ये हमारी मेहनत का पैसा है, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर हम भी आज जश्न मना कर रहेंगे। दोनों आदमी उनसे पैसे की खींचातानी करते हैं, ना मिलने पर जग्गू मग्गू उन्हें चाकू से मार कर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल और भूत बनकर कहते हैं, इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें, चलो इनका भी अंतिम संस्कार करे। दोनों भूत और चुड़ैल दारू पीते हुए उनका गला पकड़ कर मार देते हैं। इसके बाद वह वापस अपने ट्रेन घर में आते हैं और छोटी छोटी चीजों से अपने ट्रेन घर को सजा कर कहते हैं, अवंतिका हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, पर मैं अपने ट्रेन घर से दूर नहीं होना चाहता। आप चिंता क्यों करते हैं, हम अपने ट्रेन डिब्बे को चलती हुई ट्रेन से जोड़ देंगे, जिसके बाद हम अपने ट्रेन घर में सैर करते हुए जगह को घूमेंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल आती हुई एक्सप्रेस ट्रेन से अपने ट्रेन रेल घर को जोड़ देते हैं, जिसके बाद वह मजे करते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर के नजारे देखते हैं। अरे वाह, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इतना अच्छा नजारा भी देखने को मिल गया ट्रेन घर की मदद से। हाँ बिल्कुल, अरे ट्रेन रुक गई, चलिए बाहर जंगल में चलते हैं, थोड़ा वहाँ रहेंगे। तभी वो दोनों अपने ट्रेन घर को उस ट्रेन के बाकी डिब्बों से हटा देते हैं। बहुत देर हो गई, भूख लग रही है, हमें जंगल में जाकर शिकार करना चाहिए। हाँ चलिए। ये कहकर दोनों शिकार करते हैं कि उस जंगल के भूत और चुड़ैल ट्रेन घर को देखकर सोच में डूब जाते हैं और उसकी छत पर चिपक जाता है, तो कोई खिड़की से तो कोई ना कोई भूत चुड़ैल ट्रेन के हर जगह को देखकर घूर रहे थे और कह रहे थे, अरे अजीब सी चीज क्या है जिसमें रहने का भी सम्मान है, मोहिनी पता नहीं कुछ अद्भुत ही लग रहा है। लगता है ये ट्रेन का हिस्सा है जो यहाँ रह गया, हमें इसे चलाना चाहिए पर मुझे इसका हैंडल नहीं दिख रहा, तो चलाऊं कैसे? अरे तुम पागल हो, इसमें हवा भरेगी, शायद इसके पहियों की हवा निकल गई होगी। नहीं नहीं, हो सकता है ये हवा में उड़े या नाव बन जाए। लगता है तुम सब पागल हो, कभी ट्रेन नहीं देखी क्या? ट्रेन का डिब्बा है, चलो अंदर चलते हैं। वो सभी भूत और चुड़ैल अंदर जाकर उस ट्रेन के हर चीज को छूने लगते हैं, घूरते हैं और अपनी ताकत से ट्रेन को सरकाने लगते हैं। तभी अवंतिका चुड़ैल और बिरजू भूत अपने ट्रेन घर को हिलता देख कहते हैं, अरे हमारे घर को कौन ले जा रहा है, रोको। अगर ये चला गया तो हम कहाँ रहेंगे, रोको जल्दी। दोनों अपने ट्रेन घर को बचाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरह ही वहाँ भूत और चुड़ैल मौजूद हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे ट्रेन घर को कहाँ ले जा रहे हो? क्या ये तुम्हारा ट्रेन घर है? हमने कभी भी ऐसा ट्रेन घर नहीं देखा, क्या तुम हमें इसके मजे करवा सकते हो? अरे अपनी शक्ल देखी आए ना, मैं जो ट्रेन घर के मजे करोगे, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा, कबाड़ी जैसी शक्ल के।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे कहने की? फिर हम तुम्हारी ट्रेन घर नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगे हमारा ट्रेन घर? तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। चलो निकलो हमारे ट्रेन घर से। अजी कद्दू, शक्ल तो तुम्हारी भी इतनी अच्छी नहीं है जो इस ट्रेन में घर में रहो। आ देखें जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमा दम, दिल में है तूफान भरा दम दमा दम। इस तरह सभी भूत और चुड़ैल आपस में ट्रेन घर के लिए लड़ने लगते हैं। क्या होगा आगे दोस्तों? आखिर कौन से भूत और चुड़ैल जीतकर ट्रेन घर को हासिल करेंगे? जानने के लिए अगले भाग के लिए बने रहें।